चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या बोला गया है। सो हमारे पास एक ग्राउंड, हमारा ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, ठीक है, दिस इज स्मूथ। नाउ इसके ऊपर एक प्लैंक, बहुत ही ज्यादा लंबा प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास है m। और अब इसके ये वाले एंड पे मेरे पास एक का सॉलिड सिलेंडर है, मेरा एक सॉलिड सिलेंडर है और जिसका मास है, जिसका खुद का मास भी है m और रेडियस है r। इसको मैंने इनिशियली सेंटर ऑफ मास को कोई वेलोसिटी नहीं दिया, बट इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में दे दिया, ठीक है। सिलेंडर यहां पे दोनों सरफेस के बीच में रफ है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ म्यू, राइट। सिलेंडर इज जेंटली पुट ऑन द प्लैंक, ठीक है, तो अब इसी बात है दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी। ऑब्जर्वेशन क्या है, बाय द टाइम स्लिपिंग सीजेस, By the time slipping ceases, the system मतलब है सिलेंडर प्लैंक का, has lost 50% of total kinetic energy, ठीक है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका 50% लूज हो चुका है। तो क्वेश्चंस क्या क्या है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, राइट। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट, यहां पर एक इसके जमीन वाला पॉइंट जो है वो ए ले लो, ठीक है, एंड अबाउट पॉइंट ए जो है वो नीचे का जो प्लैंक है, उस नीचे वाले प्लैंक पे कोई एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो ये दो हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे एनालाइज करना चालू करते हैं, ओके, लेट्स सी। अच्छा, मैं जैसे ही सॉलिड सिलेंडर को इसके ऊपर रखूंगा तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी जो होगा वो हमारा लेफ्टवर्ड होगा, और उसका वेलोसिटी लेफ्टवर्ड होगा तो फ्रिक्शन जो एक्टिवेट होगा वो ऊपर के सिलेंडर के ऊपर राइटवर्ड होगा, और जो हमारा नीचे वाला सिलेंडर प्लैंक है उसके ऊपर लेफ्टवर्ड होगा। यानी मैं अगर इनिशियली देखूं काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा, इसके ऊपर म्यू एम जी इस तरफ होगा,
और प्लैंक के ऊपर म्यू एम जी इस तरफ होगा। ना दोनों का मास m है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन जो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट और अल्फा विल बी समथिंग लाइक दिस, जो कि डेफिनेटली एंगुलर रिटार्डेशन देगा, होना भी चाहिए। और हमारा प्लैंक जो है वो हमारा लेफ्टवर्ड एक्सिलरेट करेगा वाया एपी। अच्छा तो मैं इस वाले के लिए क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, जो हमारा एसी का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू जी। अच्छा अल्फा कितना होगा, म्यू एम जी का टॉर्क म्यू एम जी इंटू आर दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा। ठीक है, तो अल्फा जो आएगा दैट इज 2 μg upon r, this is the retardation, क्योंकि वो ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओमेगा नॉट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है। और एपी अगर मैं देखूं सो व्हाट इज एपी, एपी इज इक्वल्स टू म्यू जी और वो मेरा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे होगा। सो ये वाला जो हमारा सिलेंडर है इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वीसी, कोई भी जनरल ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या लिख सकता हूं, 0 प्लस म्यूजीटी, ये हमारा वीसी होगा। अच्छा व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ द सिलेंडर, ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस 2 μg बाय आर इंटू टी, राइट। और जो हम ये वाला वीसी टुवर्ड्स राइट है, ओमेगा जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना हूं, ध्यान देना दैट इज क्लॉकवाइज। एंड जो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक होगा वीपी 0 प्लस μgt, और ये जो होगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। ओके नाउ अब ध्यान देना, ये वाला जो सॉलिड सिलेंडर है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, सो इसका ओमेगा सी इंटू आर इस डायरेक्शन में होगा और वीसी जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। और नीचे वाले पे वीपी इस तरफ होगा। तो टू स्टॉप स्लिपिंग, जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उनके वेलोसिटीज हमारे इक्वल आ जाना चाहिए, उसके बाद तुरंत स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्लिपिंग को अगर मुझे स्टॉप करना है तो इन दैट केस क्या होगा, ध्यान देना, वीपी मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा सी आर माइनस वीसी, राइट। सो म्यू जी टी दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस 2 μgt बाई आर इंटू आर माइनस वीसी। सो 2 μgt ओमेगा नॉट आर माइनस 2 μgt आ जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज 4 μgt इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर, तो टी का जो वैल्यू आएगा दैट इज ओमेगा नॉट आर बाय 4 μg।
ठीक है, समझ में आया? नाउ अब ध्यान देना, ये t का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास vc कितना आ जाएगा? t का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, म्यू जी इंटू दिस, सो ओमेगा नॉट r बाय 4 म्यू। ठीक है, ये आएगा मेरे पास ओमेगा नॉट r बाय 4। ठीक है, ये हमारा vc है। vp भी वही वैल्यू आएगा, ओमेगा नॉट r बाय 4। और vp का जो वैल्यू होगा, ओमेगा सी का जो वैल्यू होगा, ओमेगा सी कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट विल कम आउट टू बी ओमेगा नॉट बाय 2। ठीक है, ओके। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकली हमारा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक बात समझने का ट्राई करो, हमें इसको सॉल्व करने के दौरान कहीं पर भी इस वाले इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। या तो क्वेश्चन यहां पे गलत है या तो ये चीज अपने आप सेट होगा, समझ में? बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इस वाले इंफॉर्मेशन की कोई भी जरूरत जो है वो नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली अ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। खैर, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन गलत है या फिर ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, दैट वी हैव टू सी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? देखो, प्लैंक का तो हाफ एम वीपी स्क्वायर प्लस सिलेंडर का, तो सिलेंडर का ट्रांसलेशनल हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, अच्छा वीपी और वीसी तो इक्वल है तो इसको मैं हाफ खत्म कर दे रहा हूं, एम इंटू क्या जाएगा ओमेगा नॉट आर बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। राइट, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 16 प्लस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 16, दैट इज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 8। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा के ई इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड आई जो है वो है एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट इक्वल्स टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। या क्वेश्चन सही है, इट्स अ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि 50% काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा यहां पर लूज हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 50% जो है वो हमारा लूज हो रहा है। ओके, नाउ अब क्या बोला है, ये तो मैंने निकाल दिया हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज अगर मैं देखूं, डेल्टा एल अबाउट सेंटर ऑफ मास मुझे अगर निकालना है तो क्या होने वाला है? देखो, इनिशियली सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या था, केवल और केवल रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम था। खैर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हमेशा ही रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम ही होगा, यहां पर जो इनिशियली था वो था ओमेगा नॉट, तो एल इनिशियल जो था दैट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा,
Now, I is equals to mr square by 2 into omega naught. ठीक है, ये हमारा एल इनिशियल था. किस डायरेक्शन में था? ऑब्वियसली इट्स क्लॉकवाइज. और एल फाइनल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा नॉट बाय 2 एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट बाय 2. सो डेल्टा एल जो होगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4. और ये जो चेंज आएगा वो डेफिनेटली हमारा आएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमारा डेल्टा एल अबाउट द सेंटर ऑफ मास है. अच्छा, कोई भी अगर जनरल पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, एल अबाउट ए, ठीक है, एल अबाउट ए इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास. हम कोई भी सिस्टम का जो कोई भी बाहरी पॉइंट के लिए अगर कोई पॉइंट बॉडी के बाहर हो तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकता हूं? टोटल एंगुलर मोमेंटम. सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट प्लस जो हमारा एंगुल सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है उन दोनों का वेक्टोरियल सम. वेक्टोरियल मतलब यहां पे तो हम लोगों को केवल और केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वही चीज देखना है. नाउ वो इनिशियली बॉडी ए रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जीरो था. तो केवल और केवल हमारा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, तो एल ए इनिशियल जो था दैट विल बी सिंपली एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, वहां पे स्क्वायर हो गया था वो हटा देना, राइट. और ये था हमारा क्लॉकवाइज. अच्छा, फाइनल में अगर मैं देखूं तो फाइनल सिनेरियो क्या था? ये हमारा प्लैंक है. नाउ ये प्लैंक जो है वो हमारा इस तरफ मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी के साथ? ओमेगा नॉट आर बाय 4. अरे प्लैंक का सीक्वेंस को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट करेंगे. प्लैंक बोला है मतलब हम थिकनेस प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट करेंगे, यानी ये वाला हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, लग सकता है बट नहीं है ऐसे, ठीक है, वो गिवन नहीं होगा तो मान लेना हमेशा, ठीक है. एंड इसका अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा नॉट आर बाय दिस और प्लस इस डायरेक्शन में है ओमेगा नॉट बाय 2. Now, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? स्टॉप दिस, तो उसका कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट आर बाय 2, ठीक है. और उसके अबाउट ये वाला पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास टोर्स राइट जा रहा है ओमेगा नॉट आर बाय 2 से. ये वाला डिस्टेंस ऐसे देखने में अजीब लग रहा है, प्लैंक को मैं मोटा बना रहा हूं, बट दिस इज आर. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है? दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी ओमेगा नॉट आर बाय 2 इंटू आर, ठीक है. सो दैट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाय 2. और एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास
उसका वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाले थे, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर पाई फोर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है इसको मैं देखूं तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, राइट। तो जो टोटल हमारा चेंज अगर मैं ध्यान दूं तो इनिशियली तो ये था, फाइनली था इन दोनों का सम, तो डेल्टा एल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस इज गॉन, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी सिंपली एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाय फोर। डायरेक्शन इज दिस। अच्छा, यहां पर और एक चीज पूछा जा सकता है, पॉइंट ए को अब प्लैंक के बदले ग्राउंड पे ले लो, ये पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड पे है, जो प्लैंक पे है वो नहीं ग्राउंड पे है, उसके अबाउट से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो वहां पे फिर रिलेटिव अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। ग्राउंड पे अगर पॉइंट है तो हम सिंपली एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे दैट विल बी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर r, m omega not r by 4 into r, that is m omega not r to the power 4 by 4 आएगा यहां पर, ठीक है, प्लस ये वाला होगा तो फाइनल जो हमारा आएगा that is m omega not square r square by 2, वो तो आना ही चाहिए था, ध्यान देना, क्योंकि अगर मेरा ग्राउंड का पॉइंट है तो उसके अबाउट ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों के बीच में वो एक इंटरनल फोर्स है, टॉर्क उसका जीरो है वहां पर, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो एक ही लाइन पर है, तो एंगुलर मोमेंटम पे कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। बाकी लेकिन पॉइंट अगर हमारा प्लैंक पे हो या पॉइंट हमारा सिलेंडर पे हो तो इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम पे डेफिनेटली बदलाव आएगा। पॉइंट ए अगर मैं ग्राउंड पे ले लिया तो उसके अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली सिस्टम का कंजर्व होने वाला है। ओके,